हेलो नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक करंट अफेयर में ये हमारा तीसरा लेक्चर है। यहाँ पे हम प्रीलिम्स 2018 के लिए जो करंट अफेयर रिवीजन है वो रिस्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ है वो आई है पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री के बारे में। तो देखते हैं कि पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री है क्या PCR के बारे में। तो देखो बात ऐसी है कि हमारे देश में NPA की समस्या ना नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की काफ़ी ज़्यादा हो रखी थी। लास्ट ईयर हमने डिस्कस भी किया था बजट वगैरह के में भी काफ़ी सारे आर्टिकल थे, और इस बार भी मैं न्यू आर्टिकल में डिस्कस करते हैं ये चीज़। तो NPA की प्रॉब्लम से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने प्रावधान किया है कि भाई जो भी आदमी लोन ले रहा है ना उसके हम टाइम टू टाइम क्या है कि उसको उसको अलर्ट करते रहे, उसको चेक करते रहे कि हाँ भाई आदमी टाइम पर लोन दे रहा है, नहीं दे रहा, नहीं दे रहा तो उसको जाके चेक करिए भाई लोन क्यों नहीं दे पा रहा। तो मतलब उसको एक रियल टाइम पर किसी मॉनिटरिंग वगैरह की जाए। उन सब के लिए क्रेडिट रेटिंग जो पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री है उसका निर्माण किया गया है ताकि जो भी आदमी लोन ले रहा है, क्रेडिट ले रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन है उसको एक तरह से अलर्ट किया जा सके ताकि फ्यूचर में वो जो पैसा वो NPA ना हो सके और फ्रॉड वगैरह होने से बचा सके। जैसे कोई आदमी ने आज लोन लिया, उसके अगले महीने EMI वो अगर पैसा नहीं चुका पा रहा है तो गवर्नमेंट की जो एजेंसी है बॉडी ये जाकर देखिए कि वो आदमी पैसा क्यों नहीं चुका पा रहा, रीज़न क्या है। तो वहीं पर एक्चुअली अलर्ट रखा जाएगा ताकि आदमी की भी अकाउंटेबिलिटी लगी रहेगी लोन लेने वाला कि हाँ भाई पैसा चुकाना है, और वो भी एक तरह से फ्रॉड वगैरह काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये क्रेडिट रेटिंग रजिस्ट्री है, इसका निर्माण किया जा रहा है। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सर्वे के बारे में। देखो बात ऐसी है कि वर्ल्ड लेवल की जो रिपोर्ट आती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट, वो तो की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, मतलब वर्ल्ड बैंक के द्वारा सर्वे किया जाता है, और उसमें इंडिया की दो ही सिटी को काउंट किया जाता है। पहली होती है दिल्ली, दूसरी होती है मुंबई। अब इंडिया का आरोप ये लगता है कि भाई हमारी रैंकिंग अच्छी इसलिए नहीं दिखाई जाती क्योंकि दिल्ली और मुंबई में क्या है कि इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हो नहीं पाता है जितना कि होना चाहिए। बाकी देश की और हिस्से में भी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है बट उसको एक्चुअली काउंट नहीं किया जाता है जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिपोर्ट आती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। इसीलिए नीति आयोग ने कहा कि भाई हम हमारे देश का अलग से सभी स्टेट्स यूनियन टेरेटरीज हैं उनका अलग से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सर्वे वो आयोजित करेंगे। तो ये आयोजित किया जाता है नीति आयोग और इसी के साथ IDFC जो है कि बैंक है, इसको बैंकिंग लाइसेंस मिल गया था। तो इन दोनों के द्वारा ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सर्वे रिपोर्ट है या सर्वे है ये किया जाता है जारी सभी स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज के लिए, ये हमें ध्यान रखना है। और इस बार की रिपोर्ट के अंदर 2017 की जो रिपोर्ट थी उसके अंदर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों टॉप पे थे। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है वो आई है मकाम के बारे में। क्या है मकाम? मकाम है महिला किसान अधिकार मंच। तो महिला अधिकार किसान मंच के बारे में हम देख लेते हैं। यह देखो एक मेनली वुमेन फार्मर्स हैं उनके लिए राइट्स देने के लिए एक फॉर्म है वो बनाया गया, एक तरह से प्लेटफॉर्म बनाया गया है। काम इसका यह है कि भाई जो वुमेन फार्मर्स हैं ना उनको राइट्स के लिए एक दूसरे अवेयर किया जाए, उनको राइट्स के मामले में हेल्प की जाए। मतलब वुमेन जो फार्मर्स हैं, किसान जो महिला किसान हैं, उनको एक्चुअली उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराने, उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देने, उनको अपने अधिकार किस तरीके से यूज़ करने, उन सारे कामों के लिए ये एक मंच है, प्लेटफॉर्म है वो बनाया गया है। तो EPC पूछ सकते हैं कि मकाम क्या है, क्या कोई एक तरीके से पोर्टल है, कोई स्कीम वगैरह, तो हमें ध्यान रखना है मकाम एक मेनली किसान जो अधिकार महिला है उनके लिए एक मंच है वो बनाया गया है। अगली जो न्यूज़ है आई है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है ये देखते हैं। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं, काफ़ी इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके बीच में किसी लिंक प्रोवाइड करने के लिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो इंडिया की इंडस्ट्रीज़ हैं उन दोनों के बीच में किसी को लिंक करवाने वाला तो होना चाहिए ना, मतलब मीडिएट एक तरीका। तो वो सारा काम करते हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर होते हैं जैसे SOCHM हुआ या FICCI हुआ या फिर इसी के साथ हुआ CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये सारे ग्रुप्स हैं। ये क्या करते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं इंडिया की उनके बीच में किसी कोलाब्रेशन करवाने का काम करते हैं। काम ही होता है कि देखो हमारे देश में क्वालिटी के लेवल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाया जा सके ताकि इन जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो उसकी क्वालिटी बढ़ सके और हमारे देश में इन्वेस्ट है वो ज़्यादा हो, मतलब ऑल ओवर बात है कि हमारे देश की इकोनॉमी आगे जाए। उन सब के लिए क्वालिटी वगैरह को सिक्योर वगैरह करने के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो आता है मिनिस्ट्री के अंदर कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर, और कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, उसके अंतर्गत ही है आता है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो यह हमें ध्यान रखना है, इसमें हमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आगे चलते हैं। अगली जो न्यूज़ है ये मिजल्स रूबेला MR वैक्सीन के बारे में। तो देखते हैं कि मिजल्स रूबेला MR वैक्सीन है क्या। देखो मिजल्स है, इसकी वजह से एक मेली वायरस जनित रोग है दोनों ही मिजल्स और रूबेला। तो मिजल्स और रूबेला दोनों वायरस जनित हमने देखा। इसी के साथ बात यह है कि मिजल्स से क्या होता है कि छोटे बच्चों की डेथ काफ़ी ज़्यादा होती है, ये मेनली बच्चों पर ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं मिजल्स और रूबेला दोनों ही। तो मिजल्स की वजह से क्योंकि बच्चों में फीवर वगैरह, बॉडी पर निशान चकते वगैरह ऐसे कुछ हो जाते हैं। रूबेला से क्या होता है कि डिफेक्टेड बच्चे वो पैदा होते हैं। तो इन सब की गवर्नमेंट एक्चुअली उनको काउंटर करना चाहती है क्योंकि हमारे देश में इन दोनों डिजीज़ की वजह से काफ़ी बच्चों की मौतें वो हो जाती है, दोनों वायरल इन्फेक्शन है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये प्रावधान किया कि भाई एक ऐसी वैक्सीन बनाई जाए ताकि मिजल्स और रूबेला दोनों से सिक्योर किया जा सके बच्चों को, और इसीलिए एक वैक्सीन बनाएगी जिसका नाम है MR वैक्सीन। यह 9 से 15 महीनों के बीच के बच्चों को वैक्सीन है वो दिया जाएगा ताकि बच्चों में मिजल्स और रूबेला को रोका जा सके।
आगे चलते हैं। अगली न्यूज जो हुआ ये FSDC के बारे में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में। तो देखो ये एक बात यह है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है वो एक इंडिया की अपेक्स लेवल की, ध्यान रखना है अपेक्स लेवल बॉडी है, या कोई NGO वगैरह कुछ ऐसा नहीं है, अपेक्स लेवल बॉडी है। और यह मैंने रघुराम राजन जो कमेटी थी 2008 में उसके बाद इसे बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? इसे इसलिए बनाया गया था ताकि हमारे देश के जो रेगुलेटर है ना, जैसे कि जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको सेबी रेगुलेट करती है, और जो मतलब टेलीकॉम सेक्टर को टेरी है वो रेगुलेट करती है, सॉरी टेलीकॉम सेक्टर को ट्राई है वो रेगुलेट करती है। इसी के साथ जो जो मतलब पब्लिक फंड होता है उसको रोकने के लिए जो IRD सॉरी बीमा वगैरह को IRD है, तो ये सारे मतलब रेगुलेटरी एजेंसी हैं, इनको रेगुलेट करने के लिए मतलब रेगुलेटर का रेगुलेटर है वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल। इसका काम ही होता है कि भाई ये जो डेवलपमेंट एजेंसी है ना, रेगुलेटरी एजेंसीज है ना, इनको भी कंट्रोल किया जा सके, कहीं ये ऐसा नहीं हो कि ये एजेंसी गफला करते हैं, सेबी वगैरह RBI वगैरह इन सबको काउंटर, इन सबको समझाने के लिए एक तरीके से आप बोल सकते हो कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए इसका निर्माण किया गया था, ताकि हमारे देश की इकोनॉमी वो स्टेबल रहे और हमारे देश की इकोनॉमी है वो आगे गति पटरी पे चलती रहे। चेयरमैन कौन होते हैं फाइनेंशियल स्टेबल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के? FSDC के चेयरमैन होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। मेंबर्स का सब हमने देखा कि जो जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, RBI, SEBI, IRDA, PFRDA, ये सारे रेगुलेटरी एजेंसीज के मेंबर होती हैं। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज है वो आई है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP, प्रधानमंत्री BJP। चलते आगे, इसमें न्यूज़ में ये है कि भाई गवर्नमेंट है वो जन औषधि केंद्र खोल लिया जगह जगह पे। जन औषधि केंद्र वो केंद्र है ताकि वहाँ पे जो भी लोग हैं देश के जिनको जरूरत होती है, जरूरतमंद मेडिसिन होती हैं, वो उनको सस्ती और अफोर्डेबल रेट पे मेडिसिन वो प्रोवाइड कर देंगी ऑल इंडिया लेवल पे। मतलब जगह जगह पे गवर्नमेंट एक तरह से मेडिकल स्टोर खोलेगी जहाँ पे लोगों को जो भी जरूरतमंद की मेडिसिन है वो प्रोवाइड कर देंगी सस्ती रेट पे। ये ध्यान रखना है, फ्री में नहीं, सस्ती रेट पे है मेनली। कौन सी मिनिस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हेल्थ मिनिस्ट्री एग्जाम में टिक मार्क बिल्कुल नहीं करना है। ध्यान रखना है कि जन औषधि परियोजना, जन औषधि जो स्कीम है वो लेके आई गई है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, यहाँ पे ध्यान रखना है। और कौन इसको इंप्लीमेंट करेगा? इसको इंप्लीमेंट करने के लिए वाली एजेंसी का नाम है ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर यूनिट ऑफ इंडिया। मतलब ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर यूनिट है वो इसे इंप्लीमेंट करेगी, ये हमें ध्यान रखना है। केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री है। आगे देखते हैं, अगली जो न्यूज है वो आई है मिशन इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, कोई सौभाग्य स्कीम नहीं है, यह स्कीम है मिशन इलेक्ट्रिफिकेशन। इसका मेन मोटो है कि भाई रेलवे की जो लाइन है उसमें डीजल इंजनों की जगह इलेक्ट्रिसिटी है उसका यूज गया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिफिकेशन है उसको बढ़ाया जा सके, विद्युतीकरण बढ़ाने के लिए। कौन से में? रेलवे में। ये ध्यान रखना है ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके, जो एयर क्वालिटी है उन सबको बढ़ाने के लिए, और जो स्पीड वगैरह है वो सब भी बूस्ट कर सके। क्योंकि देखो जो इलेक्ट्रिक इंजन होते हैं उनकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, तो इससे हमारे देश में जो ट्रेनों की धीमी स्पीड है उसमें भी काफ़ी गति मिलेगी और पोल्यूशन से भी काफी हद तक हमें निजात है वो मिलेगी। इसके साथ एक मिशन रफ्तार भी लेके आया था रेलवे के द्वारा, ताकि जो ट्रेन है उनकी स्पीड है वो बढ़ाई जा सके, तो उसमें भी मिशन इलेक्ट्रिफिकेशन काफी अहम रोल निभाएगा। आगे देखते हैं, अगली न्यूज जो आई है नालसा के बारे में। नालसा क्या है? यह है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। यह मेनली लीगल सर्विस अथॉरिटी एक 1987 के तहत बनाई गई थी, ऑब्वियसली एक स्टेचुरी बॉडी है। काम इसका यह है कि देखो जो भी हमारे देश में वीकर सेक्शन के लोग हैं ना, वीकर सेक्शन की सोसाइटी के लोग हैं, उनको एक्चुअली की बात क्या कि जो लीगल सर्विसेज है वो उनको नहीं मिल पाती है, मतलब उनको जो जो एक तरीके से कोर्ट वगैरह की फैसिलिटी वो नहीं मिल पाती है। तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट क्या कर रही है कि भाई ये एक्ट के तहत ये प्रावधान किया है, जगह जगह पर क्या कि लोक अदालतें आयोजित करवाई जाएंगी, और जिन जरूरतमंद लोगों को मतलब कोर्ट की या न्यायपालिका की जरूरत है वहां उनको अफोर्डेबल सर्विस वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। और इसके चेयरमैन कौन होंगे? इसके चेयरमैन होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ध्यान रखना कि स्टेट में भी इसी तरीके से बॉडी होती है जिसका नाम होता है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये हमें ध्यान रखना कि स्टेट और नेशनल दोनों लेवल पर इस बॉडी का निर्माण है वो किया गया है। आगे देखते हैं, अगली जो न्यूज़ है उसमें कुछ खास नहीं, उसमें ये है कि ग्लोबल IT डिलीवरी सेंटर है वो जयपुर में खोला गया है इंडिया में। IT डिलीवरी सेंटर का मतलब ये है कि जहाँ पे IT सर्विसेज है वो प्रोवाइड करने के लिए एक सेंटर है वो खोला गया है। मतलब वहाँ पे IT सर्विस का मतलब होगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से संबंधित होगा, वेबसाइट वगैरह काम होगा, जो IT सर्विस होते हैं जैसे TCS वही विप्रो वगैरह जो भी सर्विस प्रोवाइड करती हैं, इन सारी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए ग्लोबल IT डिलीवरी सेंटर जयपुर में खोला गया है। तो ये बेसिक ध्यान रखना, कुछ इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं। अगली न्यूज जब वो आई है GST कंपनसेशन स्कीम के बारे में। GST कंपनसेशन स्कीम है वो है क्या? GST कंपनसेशन स्कीम में ये रखा गया है कि भाई जो भी सस्ती रेट के ऊपर जो रेट है टैक्स पेयर है उनको टैक्स पे किया जा सके, मतलब टैक्स पेयर है वो आसानी से टैक्स पे कर सके। तो वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर टैक्स काफ़ी ज़्यादा है, जैसे तंबाकू हुआ, पान हुआ, आइसक्रीम हुआ, इन सारी चीज़ों पर टैक्स गवर्नमेंट ने ज़्यादा रखा है ताकि गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू हो और लोग इन चीज़ों का यूज़ कम करें, क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छी वो नहीं होती है।
आगे देखते हैं। अगली न्यूज है वो आई है भारत 22 के बारे में। तो क्या है भारत 22, ये यूपीएससी पूछ सकती है। भारत 22 मान ली एक तरीके का फंड है, ये ध्यान रखना है। न्यू एक्सचेंज ट्रेडेड एक फंड है, इसमें बाइक्स स्टॉक एक्सचेंज है उनको शामिल किया गया है शेयर मार्केट से। तो ध्यान रखना है कि भाई एक तरीके का फंड है जो न्यू एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, इसमें 22 डिफरेंट स्टेक जो स्टॉक्स मार्केट के उनको शामिल किया गया है, जिस तरीके से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसी तरीके से। बस ये ध्यान रखना कि एक फंड है उन स्टॉक एक्सचेंज का जिसमें 22 स्टॉक एक्सचेंज शामिल है शेयर मार्केट से रिलेटेड है। अगली जो न्यूज है वो आई है लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड के बारे में, LTIF लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड। नाम से पता चलता है कि भाई सिंचाई वगैरह से रिलेटेड है। सबसे अहम बात है फंड कौन दे रहा है, फंड इसको दे रहा है नाबार्ड, मतलब नाबार्ड इसको साहब ऑपरेट करेंगे। देखो एक चीज़ आपको बता दूं कि नाबार्ड है ना किसानों को डायरेक्ट लोन नहीं देता कभी भी। नाबार्ड क्या है कि इंस्टीट्यूशन को लोन देता है, मतलब जैसे कि जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि गाँव में लोन वगैरह देते हैं किसानों वगैरह को, उन सबको लोन देता है नाबार्ड। मतलब एक तरीके से बैंकों का बैंक है, जिस प्रकार के RBI है हमारे देश का वो सारे बैंकों का बैंक है, उसी प्रकार से नाबार्ड वो छोटे मोटे जो बैंक एक तरीके से बैंक होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं उनका एक तरीके से बैंक होता है। ये डायरेक्टली किसानों को लोन या डील नहीं करता, ये हमें ध्यान रखना है। अब इसमें है ये कि भाई जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई गई थी उसको पैसा मिलेगा कहाँ से, वो पैसा मिलेगा इसी फंड से। सॉरी आगे इसमें ये है कि मेजर और मीडियम सिंचाई प्रोजेक्ट हैं उनको यह फंडिंग देगा। एक सेकंड पानी पी लेता हूँ। अगली न्यूज देखते हैं, अगली न्यूज है वो है मेंटोर इंडिया कैंपेन के बारे में। तो देखते हैं क्या है मेंटोर इंडिया कैंपेन। मेंटोर इंडिया कैंपेन है वो मैंने नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसमें ये प्रावधान किया कि देखो एक गवर्नमेंट एक मिशन चलाया था, आजकल काफ़ी न्यूज़ में भी ऐसे हम डिस्कस भी करते आ रहे हैं, अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन में किया गया था कि भाई गवर्नमेंट है ना वो छोटे छोटे जो भी मतलब स्कूल क्लास के जो बच्चे हैं 12th क्लास तक के, उनकी एक्चुअली जो भी इनोवेशन या जो भी उनके आइडियाज़ हैं ना उनकी मतलब रिसर्च वगैरह में उनका आइडियाज़ को यूज़ किया जाए, उनमें नवाचार को प्रमोट किया जाए, उसके लिए गवर्नमेंट ने बनाई थी अटल टिकरी क्लेब, अटल टिकरी क्लेब। तो इन अटल टिकरी क्लेब है ना इनके तहत बच्चों को गाइड करने के लिए मेंटोर इंडिया कैंपेन है वो चलाया गया था, ताकि बच्चों में स्किल हैं वो भी इंप्रूव की जा सके और जो बच्चों की हेल्प वगैरह वो की जा सके। तो ये लगना कि नीति आयोग के द्वारा है जी, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अटल इनोवेशन मिशन भी वो भी इसी में है, ध्यान बिल्कुल रखना है हमें। आगे देखते हैं अगली न्यूज जो है वो है फाइनेंशियल डाटा मैनेजमेंट सेंटर। क्या है फाइनेंशियल डाटा मैनेजमेंट सेंटर? देखो पहले ये होता था कि हमारे देश में जो भी मतलब फाइनेंशियल डाटा होता था वो सारा डाटा RBI के द्वारा ही कलेक्ट किया जाता था, और RBI ही उसकी कस्टोडियन होती थी, मतलब RBI ही उस डाटा को स्टोर करके रखती थी, उसको सिक्योर रखती थी। बट अभी देखो RBI के पास काफ़ी सारे काम हो गए कि उसको महंगाई भी कंट्रोल करनी होती है और भी बैंकों को भी ध्यान में रखना, तो मतलब RBI पे लोड ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि भाई एक अलग से बॉडी बना दीजिए ताकि जो सारा डाटा है उसको वो अलग से रेगुलेट कर सकें, और इसीलिए लॉ मिनिस्ट्री है उसने एक नई बॉडी बनाने का नाम दिया है, अनुमति दी है, जिसका नाम है फाइनेंशियल डाटा मैनेजमेंट सेंटर। इसमें सेब भी हुआ ही, IRDA हुई, ETC टाइप का जो भी इंस्टीट्यूट है इन सारे का डाटा वो रखा जाएगा रेगुलेटरी बॉडीज का। आगे देखते हैं अगली जो न्यूज है वह ये ई शक्ति के बारे में। तो क्या है ई शक्ति? यह ई शक्ति है मेरे लिए एक पायलट प्रोजेक्ट जो कि नाबार्ड के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ई शक्ति में देखो ये प्रावधान किया गया है कि जो स्वयं हेल्प ग्रुप्स है ना वो क्या करती हैं, अभी सारे काम रजिस्टर्स में करती है, मतलब रजिस्टर में एंट्री करनी होती है उनको, तो काफ़ी सारा डाटा हो जाता है, काफ़ी सारा टाइम लगता है, काफ़ी वेस्ट भी हो जाता है, उनको मैनेज करना भी काफ़ी दिक्कत होता है। तो गवर्नमेंट ने ये रखा कि क्यों ना भाई स्वयं हेल्प जो ग्रुप्स है, स्वयं सहायता समूह है, ये अपने आप को डिजिटल बना लें और डिजिटल पर फोकस करें, ताकि बैंक्स वगैरह पर लोन वगैरह भी उनको आसानी से मिल जाए और उनका वर्कलोड है वो कम हो जाए। इसीलिए ई शक्ति जो गवर्नमेंट के द्वारा कैंपेन या प्रोग्राम है प्रोजेक्ट है वो चलाया गया है। आगे देखते हैं अगली न्यूज है वो आई है हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी के बारे में। हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी क्या है? यह मेनली HRD मिनिस्ट्री और केनरा बैंक के द्वारा एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के द्वारा स्टार्ट किया गया है, मतलब SDR HRD मिनिस्ट्री और जो केनरा बैंक है उन दोनों ने एक NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है वो बनाई है। इसका काम ये होगा कि हमारे देश में जो हायर एजुकेशन की क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट किया जा सके, मतलब हमारे देश के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जैसे IIT हुई, IIM वगैरह, इनकी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है इनको आगे ले जाया जाए और इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बूस्ट किया जाए। उसके लिए इस एजेंसी का निर्माण है वो किया गया है। इसमें होगा ये कि जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना उसका फंड भी यूज किया जाएगा। अब क्या है CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी होती है ना उसको अपने लास्ट 3 साल का एवरेज निकाला जाता है कि भाई लास्ट 3 साल के एवरेज का 2% है वो उसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब समाज वगैरह के लिए खर्चा करना होगा ताकि उस वाले एरिया में डेवलपमेंट वगैरह हो सके। ये ध्यान रखना कि 3 साल का एवरेज इसमें होता है, क्यों? ताकि रिसर्च और इनोवेशन है वो बूस्ट हो सके, और गवर्नमेंट ये चाह रही है कि भाई आगे आने वाले 10 सालों में जैसे तैसे रिसर्च को आगे लेके जा सके। तो ये कुछ बेसिक्स न्यूज़ थी।
अगली जो न्यूज है वो आई है हेली टैक्सी सर्विस के बारे में। तो इसमें यूपीएससी ही पूछ सकती है कि कहाँ इसे स्टार्ट किया जाना है। तो हेली टैक्सी सर्विस है वो मेनली बेंगलुरु में स्टार्ट किया जाने की बात है। बेंगलुरु को इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक सिटी या इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। देखो इसमें मेनली बेंगलुरु का जो हाई जो बेंगलुरु का मेन एयरपोर्ट है उसको सिटी से कनेक्ट है वो किया जाएगा। ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे देखते हैं अगली जो न्यूज है वो आई है हथकरघा संवर्धन सहायता के बारे में, HSS के बारे में। HSS क्या है? ये मेनली हथकरघा संवर्धन सहायता। इसमें ये है, ये मेनली टेक्सटाइल मिनिस्ट्री लेके आई है। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री इसलिए लेके आई है कि देखो हमारे देश में क्या है कि हैंडीक्राफ्ट का काम काफ़ी ज़्यादा चलती है। तो गवर्नमेंट ने ये रखा है कि क्यों ना भाई हम हथकरघा को आगे लेके जा सके, मतलब इनको जो सहायता है वो दी जा सके स्वयं हेल्प ग्रुप की द्वारा से। इसलिए गवर्नमेंट ने ये प्रावधान रखा है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने कि भाई जो भी ये हाथ से काम करते हैं ना इनको टेक्नोलॉजी के बेस पर ऑपरेट करके इनको अच्छे अच्छे उपकरण वो दिए जाएंगे ताकि ये ढंग से अपना काम वो कर सके, मतलब इनको टेक्नोलॉजी अपग्रेड के लिए गवर्नमेंट है वो पैसा देगी। आगे देखते हैं अगली न्यूज है वो आई है मस्क के बारे में। तो मस्क है क्या? सॉरी मस्क का हुआ माध्यमिक एंड उच्चतर शिक्षा कोर्स। यह मेनली एक नॉन सिंगल नॉन लेप्सेबल एक फंड बनाया गया गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें होगा ये कि गवर्नमेंट जो एजुकेशन के नाम पे जो सेस लेती है ना उस सेस को इसी में रखा जाएगा इस कोर्स में, इस फंड में, ताकि उस कोर्स का यूज है उस फंड का पैसे का यूज है वो केवल एजुकेशन में यूज़ किया जाएगा और वो लेप्स नहीं होगा। मतलब पहले ये होता था कि जो एजुकेशन के लिए जो पैसा होता था वो लेप्स हो जाता, बट अभी गवर्नमेंट ने रखा कि भाई एक ही जगह रखा जाएगा। तो इतना कुछ है नहीं, बस एक बार देख लेना, मे बी आ जाए तो हमारे लिए बस चांदी चांदी है, नहीं कोई बात नहीं है। अगली न्यूज़ है वो आई है पीयर टू पीयर लैंडिंग के बारे में। तो पीयर टू पीयर लैंडिंग है क्या? पीयर टू पीयर लैंडिंग में देखो ये रखा गया है कि जो भी बोरोवर या जिन लोगों को पैसा चाहिए होता है, जो लोग उधार देते हैं पैसा, उन दोनों को एक जगह रखा जाएगा। मतलब जैसे एक आदमी ए है, इसको लोन चाहिए, तो ये एक इस जगह जाएगा, और बी आदमी है उसको लोन से सॉरी ए लोन दे रहा है तो वो यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देगा कि हाँ भाई मैं मुझे लोन देना है, मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, इन्वेस्ट करनी है। बी आदमी वो कह रहा है कि हाँ भाई मेरे को भी पैसा चाहिए, मैं एक कंपनी खोल रहा है या कुछ भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूँगा। तो बी साहब यहाँ आएंगे, ए साहब यहाँ आएंगे। तो पीयर टू पीयर होगा ना कि यहाँ पे आगे कनेक्ट हो रहा है, यहाँ लोगों को आपस में कनेक्ट करने के लिए ये स्टार्ट किया गया है। क्यों स्टार्ट किया गया है? ताकि जिनको पैसा चाहिए और जो पैसा उधार देने वाले वो लोग एक जगह आ सकें, जिससे होगा ये कि हमारे देश में जो बीच में दलाल वाला काम है ना वो बंद हो जाएंगे, जिससे कि क्या है एक तो ट्रांसपेरेंसी आएगी और सारी बातें क्लियर सामने होती रहेंगी। किसने स्टार्ट किया वो ध्यान रखना है कि पीयर टू पीयर लैंडिंग जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया आरबीआई ने। इसने आरबीआई ने यह किया कि भाई एक पोर्टल बना दी, एक वेबसाइट बना दी है, जैसे xyz.com, उस वेबसाइट पर जिसको आदमी को पैसे देने वहाँ पहुँच जाओ, जिस आदमी को पैसे लेने हैं उधारी लेनी है वहाँ पर पहुँच जाओ, बस अपनी जो भी डील वगैरह वो कर लो, ये सारा ध्यान रखना है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कोई भी बात है कि बाईपास करना, जो मीडिएटर्स होते हैं उनको बाईपास करने के लिए इसका निर्माण वो किया गया है। आगे देखते हैं अगली न्यूज है वो आई है मेनली असिस्टेंट कम्युनिटी एक्ट के बारे में। तो असिस्टेंट जो कम्युनिटी एक्ट है 1955, इसमें गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किया है। इसमें देखो ये बात की गई कि जो एग्रीकल्चर जो कम्युनिटीज होती है ना, जो मतलब एग्रीकल्चर से बन जैसे प्याज आलू टमाटर इन सब की, इन सबको एक्चुअली इस लिस्ट से हटा दिया जाए असिस्टेंट कम्युनिटी से। तो इसमें यही कुछ बेसिक सी न्यूज़ है। मैंने इसमें ये ध्यान रखना है कि स्टेट गवर्नमेंट है वो प्राइस वगैरह को रेगुलेट करती है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन वो लिया नीति आयोग के द्वारा। कुछ इतना है नहीं खास बकवास सी न्यूज़ है, बस थी तो मैंने ऐड कर दिया कि भाई एक बार आंखों से मतलब ध्यान रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा। इसको नाओ अगली जो न्यूज़ है वो आई है नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट के बारे में। तो नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट है वो मेनली ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च है, उसके द्वारा इसी के साथ वर्ल्ड बैंक है उसके द्वारा स्टार्ट किया गया, सॉरी WB का मतलब वर्ल्ड बैंक, इन दोनों के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया इस प्रोजेक्ट को। काम क्या है इस प्रोजेक्ट का? इस प्रोजेक्ट का काम ही है कि भाई हमारे देश में जो हायर एजुकेशन की क्वालिटी है उसको बढ़ाना है, ये ध्यान रखना है। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट मतलब एग्रीकल्चर की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी हालत सुधारी जाए ताकि वो और अच्छे ढंग से इनोवेशन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो करें, ताकि हमारे देश में और ज़्यादा फायदा हो। ध्यान रखना कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो हायर एजुकेशन है उसको प्रमोट करने के लिए। अब हम देख लेते हैं लगे हाथ ICAR के बारे में, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में। ICAR है वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं, DARE के अंतर्गत है। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर, नाम से समझ जाओगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर की गई है और 1929 में इसे बनाया गया था। ये ध्यान रखना कि आज़ादी से पहले होनी, कई बार UPSC से पूछ लेती है कि आज़ादी से पहले बनी हुई नहीं बनी हुई, जैसे कि RBI है वो 1935 में जो एक्ट आया था उस टाइम पर बना था। तो मतलब ये चीज़ हमें थोड़ी कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। आगे देखते हैं अगली जो न्यूज़ है इसमें क्या है। हाँ ये एक तो हॉर्टिकल्चर हुआ, फिशिंग वगैरह हुई, जो एनिमल्स साइंस हुई, इन सबको रिसर्च करने के लिए मैंने बताया जो मैंने भी बताया। अगली जो न्यूज़ है वो आई है आस्क एन अपॉइंटमेंट के बारे में, AAAT के बारे में। आस्क एन अपॉइंटमेंट है वो मेनली एक तरीके से मोबाइल ऐप है जो बनाया गया है एम्प्लॉयड स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा, ESIC के द्वारा। इसमें ये है
सॉरी, कि जो भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट वगैरह काम होता है किसी ऑफिस वगैरह में, सारे जो भी मतलब लोगों को जरूरत होती है अपॉइंटमेंट वगैरह, जो भी कर्मचारी वगैरह होते हैं, उन सबको एक ही जगह अपॉइंटमेंट मिल जाएगा ताकि वो अपना टाइम वगैरह वेस्ट ना हो। बस ये डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये हमें बस थोड़ा ध्यान रखना है। एक बार अगली न्यूज है, वो आई है ऑपरेशन क्लीन मनी के बारे में। ऑपरेशन क्लीन मनी है वो मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देखो अभी आपको बताया कि जब से विमुद्रीकरण हुआ था लास्ट ईयर, तो उस टाइम पे क्या था कि काफ़ी सारा पैसा बैंकों में इलीगल पैसा या ब्लैक मनी जमा हो गई थी, तो उस पैसे को वेरीफाई करने के लिए कि हाँ भाई पैसा सही है नहीं है, लोगों ने फर्जी पैसा तो जमा नहीं करा दिया है, उसके लिए ऑपरेशन क्लीन मनी है वो चलाया गया था कि फर्जी पैसे को हटाया जाए। कौन सा डिपार्टमेंट? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इसे चलाया गया है। आगे देखते हैं, अगली न्यूज है वो आई है जीआईएस के बाद में, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। क्या है जीआईएस? ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब ये है कि देखो जो ज्योग्राफिक मतलब लोकेशन होती है उसके आधार पर डाटाबेस को चेक किया जाए। इसमें ऑनलाइन डाटा है वो रखा जाएगा ताकि किसी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह, जैसे कोई भी स्कूल है उसकी इंफॉर्मेशन है वो गूगल वगैरह पे वहाँ पे अपलोड की जाएगी, ताकि किसी भी आदमी को स्कूल सर्च करनी है, जैसे कि हम एग्जाम वगैरह का सेंटर क्या सर्च करते हैं, गूगल पर जाकर सर्च करते हैं, तो हमें मैप में लोकेशन दिखा देता है कि भाई इस एरिया में यहाँ लोकेशन है, तो मतलब पहले स्कूल की लोकेशन है वो अपलोड करनी पड़ेगी, तभी तो हमें लोकेशन दिखाएगी वो। तो इस तरीके की प्रोसीजर के बारे में अगली छोटी सी न्यूज हुआ है टेक्नो फेस्ट के बारे में। तो टेक्नो फेस्ट में हमें यह ध्यान रखना है कि है मेनली CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है उसके द्वारा, और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। क्यों इसे इस फेस्टिवल को आयोजित किया गया था? CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की प्लेटिनम जुबली ईयर था, उस मौके पे इसे स्टार्ट किया। बस ये ध्यान रखना टेक्नो फेस्ट किससे रिलेटेड है, CSIR और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट ऑफ रुड़की के द्वारा है। क्या अब आगे देखते हैं, CSIR है वो मेनली इंडिया की एक ऑटोनॉमस बॉडी है। 1942 में इसे बनाया गया था। सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत इसे रजिस्टर किया गया है। काम क्या है? काम इसका सीधा सा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बूस्ट करना है। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होते हैं प्रधानमंत्री। चलो आप एक बात बताओ, जो NDRF होती है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स होती है, उसके चेयरमैन कौन होते हैं? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन आप बताओ कौन होते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना जल्दी। आगे देखते हैं अगला इसमें यही कौन सी मिनिस्ट्री। हाँ ये मिनिस्ट्री आप देख लेना, मिनिस्ट्री वो है साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत ही है आता है ICSIR। आगे देखते हैं अगली जो न्यूज है वो आई है BBPS के बारे में, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। भारत बिल पेमेंट सिस्टम है वो मेनली RBI के द्वारा और NPCI के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। ये ध्यान रखना है RBI ने भी इसमें बनाया है और इसको रेगुलेट किया जाएगा, सारा काम वो किया जाएगा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। है क्या? BBPS है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम का मतलब ये है कि एक ही एक जगह आपको सारे बिल वगैरह पेमेंट करने के प्लेटफॉर्म वो दिया गया, जिस तरीके से हम पेटीएम वगैरह यूज करते हैं उसी तरीके का एक बिल पेमेंट कर, मतलब उसी तरीके से पेमेंट वगैरह, चाहे लाइट का बिल हो, बिजली का, लाइट का हो गया, गैस होगा, पानी वगैरह का, जो सारे बिल हैं वो एक ही जगह पे किए जा सकेंगे। उसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा RBI के द्वारा बनाया गया है। मेनली रेगुलेट कौन करेगा इसे? वो करेगा, मतलब ध्यान पूरा रखना वो काम है NPCI के बारे में। अब देखते हैं NPCI के बारे में, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यह मेनली एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिटेल के जो पेमेंट होते हैं छोटे छोटे पेमेंट करते हैं, जैसे अपन पेटीएम वगैरह से मतलब जाते हैं, फिर ATM वगैरह जो काम करते हैं वो सारे रिटेल पेमेंट का काम होता है, ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह का, जो ऑनलाइन बैंकिंग का मतलब जैसे हमने कुछ शॉपिंग वगैरह की तो उसके अंदर जो छोटे मोटे पेमेंट होते हैं ना, वो सारे पेमेंट हैं वो NPCI के द्वारा ही किए जाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और है इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, यह मेनली RBI और जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है ना IBA, उनके द्वारा बनाया गया था NPCI। तो ध्यान रखना कि इसमें RBI भी शामिल है और इंडियन जो बैंक एसोसिएशन है वो, इंडियन बैंक एसोसिएशन का मतलब ये है कि जो इंडिया के बड़े बैंक है ना, उन 10 बैंक है मेनली, उनके द्वारा इसे बनाएगा। तो वो सारे आपको याद नहीं रखना, बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो, मेनली SBI वगैरह, वो जो बड़े बैंक है SDFC वगैरह, वो उसमें शामिल है। अगली जो न्यूज है वो आई है PFMS के बारे में, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेक्स्ट एक्चुअली ये है कि प्लानिंग कमीशन के तहत जो मॉनिटरिंग सिस्टम था ना, उसमें सभी तरह का जो पैसा होता ना उसको एक जगह रखा जाएगा। देखो ये मैंने लिया लास्ट ईयर के बजट से बात है थोड़ी। देखो जैसे पहले ये होता था कि गवर्नमेंट का जो बजट का पैसा होता है ना, उसको दो तरीके खर्च कर दिया जाता था, एक तो होता था कि प्लानिंग और एक होता था नॉन प्लानिंग एक्सपेंडिचर। तो नॉन प्लानिंग खर्चे, तो गवर्नमेंट ने भी ये कर दिया कि प्लानिंग और नॉन प्लानिंग दोनों को खत्म कर दिया कि भाई सारा पैसा वो एक ही जगह रहेगा, ताकि भेदभाव वगैरह ना हो, कि पुराने प्रोजेक्ट को भी पैसा देने में दिक्कत ना हो और नए प्रोजेक्ट को भी देने में पैसा इश्यू ना हो। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बनाया है PFMS ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग के लिए, हमें ध्यान रखना है। अगली न्यूज वो आई है टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट के बारे में। टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट है क्या? टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट ये है कि माइक्रो जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम उसके तहत बनाया गया है। इसको ये इसमें ये फोकस किया गया है कि देखो हमारे देश में काफ़ी सारे यूथ हैं वो बेरोजगार हैं, तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जो बेरोजगार यूथ है ना,
उनको भी रोजगार दे दिया जाए, और जो काफ़ी हेल्थ की भी हमारे देश में काफ़ी सारी प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो गाँव में क्या है कि हेल्थ वगैरह का काफ़ी बड़ा इशू है कि भाई वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं पहुँच पाते हैं, तो गवर्नमेंट देख रही है कि भाई जो बेरोजगार लोग हैं ना उनको जगह जगह क्या कि ई हेल्थ सेंटर खोल दिए जाएंगे, और वहाँ पर यूथ को थोड़ी ट्रेनिंग दे दी जाएगी ताकि वो क्या करेंगे जनता की हेल्प करेंगे। किस तरीके से हेल्प करेंगे, वहाँ पर जैसे इंटरनेट वगैरह की फैसिलिटी होगी और वो जो हायर डॉक्टर्स होते हैं ना उनसे परामर्श वगैरह करेंगे, फिर उनसे डिस्कस वगैरह करके वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो भी वहाँ पे पेशेंट वगैरह उनकी हेल्प करेंगे, तो इससे होगा ये यूथ को रोजगार भी मिल जाएगा और जो हेल्थ का इश्यू वो भी खत्म हो जाएगा। आम क्या आम गुठली वाले दाम वाली कहानी है। अगली न्यूज है वो आई है सौभाग्य स्कीम के बारे में। सौभाग्य स्कीम है वह है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। आपको पता है इसमें ये रखा गया कि भाई 31 दिसंबर 2018 तक हर घर में बिजली पहुंचनी चाहिए, डोर टू डोर कनेक्टिविटी रखना है। रूरल किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, इसे मेनली इंप्लीमेंट किया गया, वो किया गया रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसे स्टार्ट है वो किया गया है। क्या इसमें डाटा कहाँ से यूज किया जाएगा, डाटा यूज किया जाएगा देखो 2011 का जो सोशल इकोनॉमिक एंड सेंटर जो सेंसस का जो डाटा था उस डाटा को इसमें यूज किया जाएगा। मतलब बात ऐसी है कि जैसे जो लोग काफ़ी गरीब हैं मतलब बीपीएल से नीचे हैं उनको तो गवर्नमेंट फ्री कनेक्शन देगी, और जो लोग इस डाटा में काफ़ी ऊपर हैं उनको गवर्नमेंट क्या करेगी उनसे 500 रुपये लेके कनेक्शन से वो देगी, फिर उनको धीरे धीरे वो 500 रुपये वो हर महीने के बिल में माइनस है वो करती जाएगी। तो इतना सारा हमें तो नहीं देखना, बस यही ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना है सौभाग्य स्कीम है ये प्रावधान है। इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है इसे REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि एक आपको पता है कि सालिक सात नाम से पता चल रहा है कि एक कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर की गई है। डाटा कहाँ से हो चुका है इसमें कनेक्शन देने के लिए वो हमने यहाँ पे देखा। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही, गला सूख गया काफ़ी। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।